अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज 4A है, ये तकरीबन हमारी हाफ से आगे निकल आई है। तो इससे जो पिछला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3-2, इन सब के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को जरा गौर करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है तकरीबन ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो आपके पास अब उसने क्या किया कि दो वैल्यूज दी हैं और दोनों के दरमियान सेपरेशन कामा से दी गई है। कामा आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को उठाना है और इनको क्या कर देना, उसने कहा सम निकालो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैं इधर ही हल करता हूँ, आप चले नीचे करते हैं जी, बल्कि सामने ही ठीक रहेगा। आपको उसने दिया 2x प्लस 4y, आपके पास दूसरा चीज है प्लस और माइनस 5y। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज के साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। जो उसने सम कहा, सम को मैंने यहाँ पे, ये देखिए मैंने पर्पल कर दिया आपके लिए, ये अब मैंने अलहदा से एक सिंबल डाल दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेटों को खोल लेना है, 2x प्लस 4y और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 5y बनेगा। तो अगला स्टेप आपने क्या करना है, क्वेश्चन 2x, और पिछली वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बहुत प्यारी एग्जाम्पल दी हुई है कि कैसे आपने हल करना है। 4x में से 5y जब निकालेंगे तो आंसर बनेगा -y। यही स्टूडेंट्स इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखें, अगला पार्ट आपके पास आ जाता है बी में, यहां नीचे करने जा रहा हूं। कहते हैं -b माइनस 4a, ब्रैकेट लगा ली, ठीक है, प्लस का सिंबल डाला और दूसरा जो वैल्यू है उसको भी क्या कर लिया हमने, ब्रैकेट के साथ लिख लिया, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रैकेटों को खोलने जा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, -b माइनस 4a प्लस आपके पास 7b बनेगा, माइनस क्या बनेगा, 6a बनेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, a वालों को इकट्ठा लिख लेना है, -4a माइनस 6a, और b वालों को इकट्ठा लिख लेना है, -b प्लस 7b, जो मर्जी आप तरतीब लिख ले, बेशक b वालों को पहले लिख ले, a वालों को बाद में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। -4 और -6 कितना बन जाता है स्टूडेंट्स, -10a। -b प्लस 7b कितना बन जाता है, 6b। यहां पे आके स्टूडेंट्स हमारा जो पार्ट नंबर 2 है ये भी क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो अगला स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर आपके पास आ रहा है, सी आ रहा है। सी को मैं देखें यहां पे आपके लिए, चले इंक चेंज कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। 3 है जी, आप सी पार्ट जो है वो है आपके पास 6d माइनस 4c, और प्लस की बात करें तो आपके पास दिया गया माइनस 7c प्लस 6d। मैं क्या स्टूडेंट्स करने जा रहा हूं, मैं वही तरीका करने जा रहा हूं जो पहले करता आ रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, ब्रैकेट खोलूंगा, 6d माइनस 4c माइनस 7c और क्या बन जाएगा, 60। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और छोटी सी चीज, आपको ये कंसेप्ट लाजमी पता होना चाहिए कि प्लस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस आता है, जो मैंने यहां पे लिखा। अब इसी प्लस को उठा के मैंने इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है, जो मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सी पहले आता है, अल्फाबेटिकल फॉलो कर लेते हैं, तो माइनस 4c माइनस 7c अलग कर लिया और 6d और प्लस 6d को मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। माइनस 4 माइनस 7 कितना बन जाता है, माइनस 11c प्लस आपके पास 6 प्लस 6 कितना बन जाता है, 12d। यहां पे आके स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर सी भी जो है वो क्या हो जाता है, हल हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला पार्ट हम हल करते हैं, पार्ट नंबर है डी, जो कि मैं साइड पे करने जा रहा हूं डिफरेंट इंक से। आपको क्या कहा गया, 3pq माइनस 6hk और दूसरी वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू लिखी, दरमियान में आपने प्लस डाला और यहां पे आके दूसरी वैल्यू आपने लिख ली, कौन सी स्टूडेंट्स बन रही है, माइनस 3pq प्लस आपके पास कहा जाता है 14kh। स्टूडेंट्स एक चीज ऊपर मैं इधर कर देता हूं,
याद यहाँ पे ये मैंने सर्कल के अंदर करने जा रहा हूँ। याद रखना स्टूडेंट्स कि आपके पास एच के जो होता है ये के एच के बराबर ही होता है, चाहे जो मर्जी आप ऑर्डर रख लो, याद रखना कि ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होता है कि दोनों चीजें चाहे एच के लिखो या के एच, दोनों की दोनों क्या होगी, बराबर होंगी। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। आप क्या करने जा रहे हैं, ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं। ठीक है, थ्री पी क्यू माइनस सिक्स एच के माइनस, प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये बन जाएगा थ्री पी क्यू, और आगे स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा 14 KH। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि आपके पास ब्लैक, अच्छा थ्री पी क्यू देखें और यहाँ पे माइनस का थ्री पी माइनस थ्री पी क्यू, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये ऊपर स्क्वेयर देखें, इसके अंदर मैंने किया 2 - 2 के, तो कितना बन जाता है, जीरो बन जाता है। सिमिलरली थ्री पी क्यू में से थ्री पी क्यू निकाला, तो आंसर मेरे पास क्या बन गया, जीरो बन गया। पीछे स्टूडेंट्स आपके पास बच गया, मैं दोबारा लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, प्लस 14 HK। तो स्टूडेंट जीरो तो खत्म हो गया, पीछे 14 में से 6 गया, तो कितना बच गया, 8 HK। होप सो स्टूडेंट्स ये वाला पूरा क्वेश्चन है आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है, अपना फीडबैक देना है, ताकि आपके लिए मैं उस कंसेप्ट को क्लियर करके एक नई वीडियो अपलोड कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।